Creativity is also an important contributor in learning, and you need to understand what is the level of creativity in your learners. Creativity refers to the ability to create or discover something that is novel and has some value for the society. Do cheeze dhyan rakhiye, novel and value for the society. अर्थात कुछ नयापन क्रिएटिविटी की खासियत है और समाज के लिए उसकी क्या वैल्यू है वो भी क्रिएटिविटी में आता है। दोनों चीजें इसमें अपना रोल प्ले करती हैं। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तब क्रिएटिविटी में आपकी समस्याओं को पहचानने की योग्यता, अर्थात क्या आप उन कमियों से, उन आवश्यकताओं से या उन गलतियों से परिचित हैं, अवेयर हैं जो आपके चारों तरफ के परिवेश में हैं। क्रिएटिविटी के लिए एबिलिटी टू सेंस प्रॉब्लम्स बहुत जरूरी है। इसके बाद फ्लुएंसी की बात आती है। फ्लुएंसी मींस द एबिलिटी टू एक्सप्रेस और जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट। आपकी एबिलिटी कि आप कितनी तेजी से जो डिफेक्ट, जो नीड, जो डिफिशियंसी आपने आइडेंटिफाई की है, जो समस्या आपने पहचानी है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस को जनरेट करना या उसकी संभावनाएं जनरेट करना, इसकी एबिलिटी, ये सेकंड डायमेंशन। देन फ्लेक्सिबिलिटी, जो डिफरेंट सॉल्यूशंस या आंसर्स आपने एक प्रॉब्लम के ढूंढे हैं उनके बीच में अलग अलग वैरायटी को ढूंढना और उन पर सोचना, रिफ्लेक्ट करना और अपनी सोच की दिशा को बदलने की क्षमता, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। जो नेक्स्ट डायमेंशन है क्रिएटिविटी का वो है ओरिजिनलिटी। जब हम ओरिजिनलिटी की बात करते हैं तो ओरिजिनलिटी में द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूनिक और न्यू आइडिया, अर्थात जिसका इनोवेशंस बड़ा उदाहरण है। देन इलैबोरेशन, इलैबोरेशन का मतलब द एबिलिटी टू डेवलप वेल एन आइडिया एंड इनसाइट। थिंकर्स को देखिए, राइटर्स को देखिए, उनको आप एक छोटा सा आइडिया दीजिए, उस पर पूरी स्टोरी इलैबोरेट कर देते हैं, पूरी कविता लिख देते हैं, पूरा महाकाव्य लिख देते हैं। दिस इज ऑल्सो क्रिएटिविटी, इलैबोरेशंस। देन रीडेफिनेशन, किसी चीज को दूसरी तरह से डिफाइन करना। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू इंप्रोवाइज ऑपरेशंस इन सिचुएशंस, अलग अलग परिस्थितियों में चीजों को इंप्रोवाइज करना। This is called redefinition. तो क्रिएटिविटी के ये छह डायमेंशन है। क्रिएटिविटी के बाद इंटरेस्ट की बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इंटरेस्ट की चर्चा हुई थी जब हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे थे और बहुत से विद्यार्थियों ने ये कहा कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है, ये समझने की जरूरत है। तो इंटरेस्ट टर्म का यूज हम करते हैं उन फैक्टर्स को डेजिग्नेट करने के लिए जो किसी भी इंडिविजुअल को किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी एक्टिविटी के प्रति अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। कहीं कुछ अच्छा घटित हो रहा है या कहीं कुछ भी घटित हो रहा है, वो अच्छा है या बुरा ये आप तय करते हैं अपने इंटरेस्ट से। आपके विद्यालय में मान लीजिए तैराकी की कक्षा चल रही है, एक तैराकी का प्रशिक्षक भी है, तरणताल भी है, स्विमिंग पूल भी है। Now, if a student is attracted towards that, it shows that a student has interest. अभी हम aptitude पर नहीं है। And if a student is not attracted towards that, repeat, नहीं, यहां नहीं जाना है। I have interest in badminton, not in this swimming. So, interest is basically attraction towards something, some object, person or activity. बेवेस्टर ने इसको डिफाइन किया, बेवेस्टर डिक्शनरी ने, इंटरेस्ट एज एक्साइटमेंट ऑफ फीलिंग एकम्पनिंग स्पेशल अटेंशन टू सम ऑब्जेक्ट और कंसर्न। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चिंता के प्रति जो स्पेशल अटेंशन के साथ जुड़ा हुआ एक्साइटमेंट है वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को हम कई तरीके से डेवलप कर सकते हैं। हम बच्चों की जो डिजायरेबल एक्टिविटी है उनकी वाइड रेंज उनके सामने रखें, विभिन्न प्रकार की चीजें उनके सामने रखें।
उनकी कैपेसिटी के प्रोपोर्शनेट उनको एक्टिविटीज दें, उनको वे क्रियाकलाप करने को दें जो उनकी क्षमताओं से जुड़े हों, उनको ऐसी परिस्थितियों को प्रस्तुत करें जहां पर उनको सेटिस्फेक्शन मिले, क्यूरियोसिटी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन का यह कथन यह बताने के लिए काफी है कि क्यूरियोसिटी क्या होती है। सोचकर देखिए, क्या अपनी कक्षा में हम अपने बच्चों की क्यूरियोसिटी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं? क्या हम उनको प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज करते हैं? क्या उनके किसी ऐसे प्रश्न पूछने पर जो प्रश्न हमारे विषय से संबंधित नहीं है, हमें क्यूरियोसिटी पर भी विचार करना होगा? हम क्यूरियोसिटी कैसे विकसित कर सकते हैं? ब्रेन को लर्निंग के लिए तैयार करिए। अगर ब्रेन लर्निंग के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं हो सकती। लर्निंग को रिवार्डिंग बनाइए, लर्निंग को रिवार्डिंग बनाइए। सीखने से बच्चों को कुछ मिलेगा, कुछ पुरस्कार मिलेगा। सही प्रश्न पूछिए, अपने विद्यार्थियों को भी सही प्रश्न पूछने के लिए तैयार कीजिए। स्वयं क्यूरियस होइए, बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करिए। क्या, क्यों, कैसे, कब, बच्चों से प्रश्न पूछिए, उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक्टिव लिसनिंग को इनकरेज कीजिए। क्लास में एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण को हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं? और नई इंफॉर्मेशन छोटे छोटे चंक्स में दीजिए, एक साथ मत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।